दो गुटों में पुराने विवाद को लेकर देर शाम हुई मारपीट। वहीं इस खूनी लड़ाई में एक युवक आकाश शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भिजाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुर्ग के वारसात लुचकी पारा में रविवार की देर शाम पुराने विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष चला, जिसमें इनके बीच हुई मारपीट में आकाश शर्मा सहित एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे उसके परिजनों द्वारा वहां से दुर्ग जिला अस्पताल लाया गया, जहां आकाश शर्मा की गंभीर हालत देख जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने शंकराचार्य अस्पताल रिफर कर दिया, जहाँ इलाज के दौरान आकाश शर्मा को मृत भी घोषित कर दिया गया। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से इन लोगों के बीच विवाद चल रहा था। वहीं अस्पताल में आकाश शर्मा की मां और परिजनों ने इस मामले में हिंदू संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर निशाना साधते हुए आक्रोश जताया, साथ ही घर पर सैकड़ों लोगों को लगाकर डराने का धमकाने का आरोप भी लगाया। यही बात में रिपोर्ट नहीं लिखने के खातिर हम पूरी मीडिया आई थी, मीडिया के पास गए हो तो आपको भुगतना पड़ेगा। विजय साहब ने बोला था हमको, यहाँ विजय साहब, अब वो कौन सा एसपी था ध्रुव यहाँ पुराने कोर्ट में, वो मेरे को नहीं मालूम। मैं एसपी साहब के पास भी गई थी, कैमरा वहाँ का भी चेक कर सकते हैं, और पूरा कैमरा चेक करो, आप रिपोर्ट कर लो। ध्रुव थाने की पुलिस ने रिपोर्ट भी नहीं ली, कैमरा चेक बना, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है कि हम आप लोग बाहर निकलो, रिपोर्ट आप लोग की नहीं लिखेंगे। और देवार का सारी डीका, और ये हमेशा लड़के लोग को दल के लाता है, जय जय श्री राम का नारा लगवाता है, घर में तोड़ फोड़ करवाता है। राकेश तिवारी, कल रात में भी 40-50 लड़के आए थे, डंडा चाकू तलवार लेके पूरा दरवाजा तोड़े है। रात में मकान बाजू वाले का ऑटो तोड़ दिया कि ये विशाल की ऑटो है करके, उसकी ऑटो को चकनाचूर कर दिया, जो पटेल चौक में लाके खड़े करे हैं ऑटो, वहाँ पटेल चौक पेट्रोल पंप में, और हम किराए के मकान में रहते हैं, मकान भी तोड़ दिए, दरवाजा तोड़ दिए, दरवाजा सारे लड़के लेकर सेक्टर 6 में गए थे। उन्होंने हमको बोला कि आप लोग यादव सर से बात कीजिए, मेरी बात हो गई है, तीनों को अंदर करेंगे, सत्तू देवार, राकेश साहू और राकेश तिवारी, और जो लड़कों को लेके आता है उन लड़कों को, और इनके घर साहू परिवार की रानी औरत जो उचकाती है, जो राकेश तिवारी के साथ संबंध में है, उन सबको मैं अंदर करने के लिए बोले थे, लेकिन यादव जी ने हमारा फोन काट दिया भरे थाने में, और उन्होंने बोले कि मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, आपको जो ठीक लगता है। योगेश चंद्राकर थाने से भगा दिया, योगेश चंद्राकर और रानी साहू दोनों रिश्तेदार है, और योगेश चंद्राकर ने बोला आप पहले आकाश शर्मा और विशाल शर्मा को लेके आइए, और हमने जब भी हमारे घर वाले तक कल रात में घर में थे, आकाश भैया की तो आंख में तकलीफ हो गई, अस्पताल में 4 बजे रात में इसी अस्पताल में थे, 4 बजे रात में यही अस्पताल में थे, लेके हमारे घर में घूमे, छोटे छोटे बच्चे और मम्मी घर में थे, मेरा बेटा मेरे घर में नहीं है, दूसरे के घर में चले गए डरने वाले। आपको पता है शाम में अभी उन लोग घर से निकले हैं, हम लोग ग्रीन चौक गए थे रतन यादव से बात करने के लिए, वहाँ से हम लोग घर जा ही रहे थे, मैं मम्मी और भाभी घर पहुंचे, पीछे से इन लोग पहुंच रहे थे विशाल शर्मा और आकाश शर्मा गाड़ी से, जगदीश धोबी शिक्षक नगर गार्डन के पास दोनों भाइयों को रोके, और भी लड़के थे कल रात में आके जय श्री राम का नारा लगा के पूरा घर में तोड़ फोड़ करे हैं, ऑटो तोड़ फोड़ करे हैं, पूरा घर में नौ आकाश शर्मा के दुर्ग पुलिस की लिस्ट में गुंडा बदमाशों की सूची में नाम दर्ज है। वहीं हिंदू संगठन जिस पर आकाश के परिजन आरोप लगा रहे हैं, अब दुर्ग पुलिस को समझना पड़ेगा कि आखिर इन दोनों के बीच किस बात को लेकर झगड़ा पनपा और खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। बहरहाल इस खूनी लड़ाई में शामिल अपराधियों की तलाश में दुर्ग पुलिस जुट गई है। देखिए इन सब मामलों में मृतक के परिजनों का क्या कहना है। भाभी एक गाड़ी में थे, दोनों गाड़ी में आकाश भैया और विशाल शर्मा थे, आकाश शर्मा को इन्होंने घेर लिया और तीनों जन चाकू चाकू मारने लग गए, भैया ने अपनी जान बचा के जैन के दरवाजे तक बस गए हैं शिक्षक नगर गार्डन के सामने, वो सिर्फ वहां से लेके इतना दूर बस चल सके, उसके बाद उन्होंने अपना दम तोड़ को नारा लगा के आपके घर तक पहुंचा, राकेश तिवारी और नारा लगाया और भीड़ कम करने के लिए स्काउट को बुलाना पड़ा था, तब भी भीड़ कम नहीं हुई, तो हमारी वहाँ जान को खतरा था, इसीलिए पुलिस वालों ने हमको कोतवाली थाने तक से
रहे थे, वहाँ हम तीन लेडीज और हमारे घर के तीनों आदमी मौजूद थे जिस दिन सजा पड़ी थी। अभी क्या हुआ है? अभी आकाश शर्मा को चाकर कल रात में बोला राकेश कुमार के भरे थाने में साउथ कर को कि मैं आकाश शर्मा को आज रात मर्डर करूंगा, विशाल शर्मा का मर्डर करूंगा, लेकिन उन्होंने थाने और हमारी सुने ही नहीं। ये पुलिस वाले बोलते हैं कि मैं बाहर भगो, मैं गर्भावस्था में रात में थाने में बोल रही हूं सर क्या बचाइए, सर बचाइए अक्कूरज भैया को मार करके सबसे बड़े वाले भैया को उनको थाने के बाहर दौड़ा के पास पल्ला लेके अनिल सिंह जो और ना कुछ नहीं किया, मैं उनके पास हाथ पर जोड़ी हूं सर जल्दी चलिए, लेकिन वो बाहर तक नहीं निकले, कल रात में इनको दौड़ा दिया। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।